एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, और अब समय हो गया है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं का। राघव पिछले 5 साल से टेक कंपनी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। उनके ज्यादातर दोस्त भी इसी सेक्टर से जुड़े हैं, और इन्हीं में से एक दोस्त है अमन, जिसका हाल ही में प्रमोशन हुआ है। इस मौके पर अमन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां राघव भी पहुंचे। पार्टी में उन्हें कई जाने वाले लोग मिले। बातें हुई तो सभी ने अपनी अपनी कंपनियों के बारे में बताया। बातों बातों में राघव की नौकरी का जिक्र भी हुआ, तो राघव ने बताया कि वो तो अभी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। इस पर वहां बैठे आर्यन ने पूछा कि इन्फोसिस, सुना है कि वहां अभी तक एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। तब राघव ने बताया कि हाँ, सही सुना है। आमतौर पर कंपनी अप्रैल जुलाई के बीच इंक्रीमेंट कर देती है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी इंक्रीमेंट को टाल रही थी। राघव ने आगे बताया कि इस साल कंपनी ने आईटी सेक्टर में चल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए ईयरली इंक्रीमेंट को टाल दिया है, लेकिन अभी थोड़ी राहत है क्योंकि कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यानी कि शाजी मैथ्यू ने एक टाउन हॉल में कहा है कि कंपनी 1 नवंबर से इंक्रीमेंट कर देगी। राघव की बात पूरे होते ही वहां बैठी मनीषा ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर मनीषा कुछ मायूस होते हुए बोली कि अब जब सैलरी की बात हो ही रही है, तो क्या तुम लोग जानते हो कि बड़ी कंपनियों में सैलरी के मामले में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। निफ्टी 50 पर टॉप लिस्टेड भारतीय कंपनियों में महिला कर्मचारियों की एवरेज सैलरी पुरुष कर्मचारियों की एवरेज सैलरी से 10% कम है। ईटी ने निफ्टी 50 कंपनियों के पुरुष और महिला कर्मचारियों की एवरेज सैलरी का विश्लेषण किया है। 50 कंपनियों में से 43 ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में इस डेटा का खुलासा किया है। इनमें से 31 कंपनियों में औसत पुरुष वेतन औसत महिला वेतन से ज्यादा है। ईटी में छपी खबर में टॉप मैनेजमेंट रोल्स में कम महिलाओं का होना, फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कई फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये इम्बैलेंस बना हुआ है। इस पर आर्यन ने मनीषा से पूछा कि अच्छा, ये तो बताइए कि आपकी कितनी सैलरी है। इस पर सभी लोग मुस्कुराने लगे। खैर, आप एक बार जरूर जान लें कि अब कंपनियां हायरिंग के लिए आपके रिज्यूमे से ज्यादा पर्सनल इंटरव्यूज पर फोकस कर रही हैं। दरअसल कई नौकरियों के आवेदनों में एकेडमिक और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रिज्यूमे में झूठे दावे से बचने के लिए अब एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादातर पर्सनल इंटरव्यूज पर निर्भर होने लगे हैं। हाल ही में जारी हायर प्रो की रिपोर्ट के अनुसार नौकरी ढूंढने वाले 85% से ज्यादा अभ्यर्थी अपने दस्तावेज में गलत दावे करते हैं। हालांकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 65% था। ये रिपोर्ट 40 लाख आवेदकों के रिज्यूमे, 3000 भर्तियां, 3000 से ज्यादा भर्ती प्रबंधकों को शामिल करते हुए एक सर्वे और 500 कॉरपोरेट ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कृपया रिज्यूमे नहीं, कौशल केंद्रित भर्ती के लिए मार्ग प्रशस्त करना नाम की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 70% एम्प्लॉयर रिज्यूमे देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग किसी को भर्ती करने से पहले इंटरव्यू पर निर्भर रहते हैं। तो नौकरी के लिए जो लोग रिज्यूमे भेज रहे हैं, वो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनीलाइन, और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनीलाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूँ विदा, धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।